please comment. Am I audible? Yes or no? Okay, so good afternoon to all of, sorry, good evening to all of you. स्वागत है आप सभी का ग्रेड अप क्लासरूम में. Am I audible? Yes or no? क्या मेरी आवाज आ रही है? Please comment. मेरी आवाज आ रही है? Okay. So good evening to all of you. स्वागत है आप सभी का ग्रेड अप क्लासरूम में. सो एक नए सेशन के साथ हम लोग हाजिर हैं. आज आप लोगों का जो क्या कहते हैं लगातार एक्सपेक्टेड पेपर चल रहा है उसका आज यहाँ पे नंबर यहाँ पे आपका 7 है, राइट? ठीक है, जस्ट अ मिनट, क्या मैं यूट्यूब पे, ठीक है, मैं यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका हूँ. ठीक है, ओके. सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आप सभी का रीडअप क्लासरूम में और एक नए सेशन के साथ हम लोग हाजिर हैं. आज आप लोगों की क्लास नंबर यहाँ पे 13 है, मॉक नंबर 13 आप लोगों का है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने पेपर देखा, हम लोगों ने 3 अक्टूबर का पेपर देखा और बहुत सी ऐसी चीजें हम लोगों ने देखी हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगी कि जो पैटर्न हम लोग एग्जाम में फॉलो कर रहे थे शायद आपने उसको प्रॉपर आपने मेन एग्जाम में फॉलो नहीं किया और ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं. कई बच्चों का यहाँ पे कहना है कि सर जो हमारे मार्क्स हैं वो थोड़ा बहुत कम हो गए हैं, कुछ बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है जिसमें आप लोगों ने थोड़ी सी गलती की है जो आपके नंबर को बहुत ज्यादा दिक्कत दी है. जैसे अगर मैं यहाँ प्रॉपर बोलूं तो मैं 3 अक्टूबर को अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों ने पजल को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया है. मैंने ये सिंपल देखा है कि आप पजल को बिल्कुल भी सीरियस आप लोगों ने नहीं लिया है. क्यों? अगर मैं सिंपल इसको बोलूं, मैंने आपसे हमेशा कहा था कि ये जो पेपर है इसका लेबल इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो लेबल हमेशा इजी टू मॉडरेट होगा. बहुत सारे बच्चे जो क्लास में वहां जाके मिस्टेक किए हैं उनकी मिस्टेक ये हुई है कि उन्होंने वो कह रहे जो पजल है वो उतना बेहतर तरीके से वो सॉल्व नहीं कर पाए जिससे उनके नंबर्स बहुत ज्यादा कटे हैं. तो मैं आपको फिर से ये कहूंगा कि 3 अक्टूबर को जितने लोगों का एग्जाम था उन सबको दिक्कत केवल पजल में हुई है. अब मैं फिर आपको ये आश्वस्त करता हूं कि जिनका एग्जाम यहाँ पे 10 को है, जिनका एग्जाम यहाँ पे 11 को है, मैं फिर कह रहा हूं जब सेशन देखा करो तो पूरा देखा करो, राइट? क्योंकि सेशन 1 घंटे का होता है, लास्ट में पजल होती है, पजल को बिल्कुल मिस मत करो क्योंकि IBPS PO लेवल की पजल ही मैं यहां पे करवा रहा हूं. अगर आप इसको प्रॉपर वे में कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो जाएगा. मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा मेरी बात प्रॉपर समझ पा रहे हैं? ऐसा तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप पजल पे प्रॉपर फोकस करिए, लास्ट आपको नंबर या मार्क्स या अच्छा ग्रेड आपको वही दिलवाएगा, राइट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच सनी, थैंक यू सो मच. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन कोर्स से. देखिए ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको कल भी पोस्ट किया था, आज मैं आपको फिर एक बार पढ़कर सुना देता हूं. किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि दर्द, गालियां, ताने, तकलीफ क्या क्या है. दर्द, गालियां, ताने, तकलीफ क्या क्या है. मैं आ गया हूं सरकारी नौकरी की तैयारी करने, बता इंतजाम क्या क्या है. यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आएंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत प्रॉपर वे में आपको मिलने वाली हैं. तो आप इसकी तैयारी अभी से कर लें. जब आप इसको अभी से प्रॉपर वे में अपने अंदर उतार लेंगे तो शायद इन सब चीजों से फर्क पड़ना आप पे बंद हो जाएगा, राइट? ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए. सुनो, स्टार्ट किया जाए. चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा. सिलॉग से मैं स्टार्ट करूं, प्रॉपर सवाल देखो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा. प्रॉपर सवाल को देखो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ध्यान से करिए क्या बनेगा. फोकस होके प्रॉपर क्या बनेगा. दस सेकेंड में आपको और दूंगा. सवाल को बहुत ध्यान से समझो, राइट? ठीक है, और देखते उड़ा दो बस. दैट्स इट, राइट? चलिए एक बार सवाल देखते हैं. क्या लिखा हुआ है? ऑल ट्यूजडे आर मंडे. तो सारा ट्यूजडे यहां पे मंडे है, सारा ट्यूजडे यहां पे कंफर्म आपका मंडे है, सारा मंडे यहां पे फ्राइडे है, राइट? एंड लास्ट में है कि सारा फ्राइडे आपका यहां पे सैटरडे है. तो सारा फ्राइडे कंफर्म यहां पे सैटरडे इस टाइप से बन जाएगा. सवाल एक बार देखिए. सम फ्राइडे आर ट्यूजडे. एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका ऑल गिवन होता है, जब भी आपका स्टेटमेंट में ऑल गिवन होता है तो कंक्लूजन का सम ऑलवेज आपका सही होता है. यानी पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला 100% सही हो जाएगा. सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है. कह रहे ऑल ट्यूजडे विच आर द पार्ट ऑफ मंडे विच विल बी फ्राइडे. कह रहे वो ट्यूजडे जो कि मंडे है क्या वो फ्राइडे बिल्कुल होगा क्या? तो यस, मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं कि वो ट्यूजडे
जो कि मंडे के अंदर है वो बिल्कुल फ्राइडे यहां पे होगा, क्योंकि सारा ट्यूसडे यहां पे मंडे के अंदर है और सारा मंडे अगर फ्राइडे होगा तो यस सारा ट्यूसडे आपका अपने आप क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट यहां पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है कि सम सैटरडे मे और मे नॉट बी ट्यूसडे। देखो सैटरडे का कुछ पार्ट यहां पे कंफर्म ट्यूसडे है, सैटरडे का कुछ पार्ट यहां पे कंफर्म ट्यूसडे है, तो वहां पे मे आपका लग नहीं सकता, क्योंकि जो चीज कंफर्म होती है उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं होती। मे नॉट आपका सही हो जाएगा, लेकिन मे आपका गलत हो जाएगा, यानी ये थर्ड वाला कंफर्म आपका गलत हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। आपका जो आंसर है वो क्लियरली फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर समझ आया, समझ आया एवरीवन, क्लियर गेटिंग डन प्रॉपर। ठीक है नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, ध्यान से लास्ट वाले पे आपका सम सम नॉट दोनों था, तो सम वहां पे डेफिनेट ट्रू था, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, सम नॉट आपका ट्रू हो जाता इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी। नहीं, विल आपका पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, मे कहा, विल आपका पॉसिबिलिटी में नहीं बनेगा। ठीक है ओके नेक्स्ट पे आओ, एक एक 10 सेकंड और ले लो। चलिए सम स्विचेज आर लाइट, कुछ स्विच यहां पे लाइट होंगे, कुछ स्विच यहां पे लाइट होंगे। नेक्स्ट सम फैंस आर लाइट, कुछ फैन यहां पे लाइट होंगे। एंड नो स्विच आर वायर, यानी कोई भी स्विच यहां पे वायर नहीं होगा। ये टोटल इस टाइप से आपका बन गया सवाल। एक बार देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सम लाइट आर नॉट वायर, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि लाइट का वो पार्ट जो कि स्विच में है वो कभी भी वायर नहीं होगा। 100% यहां पे ट्रू है, पहला बिल्कुल सही। कह रहे हैं क्या सम स्विच फैन हो जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, तो यस स्विच और फैन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, स्विच और फैन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल आपकी पॉसिबिलिटी यहां पे ट्रू हो जाएगी, पॉसिबिलिटी आपकी 100% यहां पे ट्रू हो गई। थर्ड का ही थर्ड क्या बोल रहा है, सम फैन आर नॉट लाइट। देखो फैन से लाइट मुझे केवल सम पता है, फैन से लाइट मुझे सॉरी केवल सम पता है, और जहां पे सम पता होता है वहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी 100% आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि जहां हमें सम पता है वहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी आपकी 100% यहां पे सही होगी, यानी आपका सिंपल यहां पे ऑल फॉलो, सिंपल यहां पे ऑल फॉलो। मैं यही कह रहा हूं, देखो मैं यहां पे लगातार स्टेटमेंट देख रहा हूं, 90% लोग स्टिल फर्स्ट एंड सेकंड आंसर कर रहे हैं, 90% लोग स्टिल फर्स्ट एंड सेकंड आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, अगर आप मेंस लेवल या पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पे सिलॉग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सिलॉग का कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपर वे में आपका क्लियर होना चाहिए। राइट, गेटिंग डन, यस ऑल फॉलो इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ध्यान से लो, टाइम स्टार्ट नाउ। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरे भाई आरआरबी पीओ का आईबीपीएस पीओ से तुलना मत करो किसी भी टॉपिक का, चाहे सिलॉग हो, इनइक्वेलिटी हो, या आपका पजल हो, या आपका सिंपल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्यों ना हो, दोनों चीजें जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। राइट, ओके सवाल एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल मार्बल्स आर टाइल्स, सारा मार्बल यहाँ पे टाइल्स होगा, सारा मार्बल्स यहाँ पे टाइल्स होगा, सारा टाइल्स यहाँ पे ब्रिक्स हो जाएगा, एंड सम स्टोन आर ब्रिक्स, तो कुछ स्टोन यहाँ पे ब्रिक्स हो गए। सवाल देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ऑल टाइल्स बींग स्टोन, देखो टाइल्स और स्टोन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू, तो यस पहला आपका बिल्कुल सही, पहला आपका 100% सही। नेक्स्ट पे आइए, सम ब्रिक्स आर मार्बल, अब देखो सारा मार्बल अगर ब्रिक होगा तो ब्रिक का कुछ पार्ट अपने आप यहां पे मार्बल हो जाएगा, तो यस आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही, सेकंड वाला भी आपका 100% सही। नेक्स्ट पे आइए, सम स्टोन आर मार्बल, देखो स्टोन और मार्बल में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टोन से मार्बल मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पे आपका डेफिनेट ऑलवेज गलत, तो यस आपका थर्ड थर्ड नॉट फॉलो, केवल फर्स्ट एंड सेकंड क्लियरली सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से प्रॉपर, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। और लाइक करते जाओ, है ना, लाइक के लिए मुझे बोलना ना पड़े, लाइक करते जाओ ठोक के। राइट, चलिए 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, हार्डली 10 सेकंड और। राइट ओके, सो ऑल टेप्स आर रेडियो, सारा टेप यहां पे रेडियो होगा,
सारा टेप यहां पे, और ऑल एलेक्सा टेप, मतलब ये ऐसे बनेगा कि सारा एलेक्सा पहले यहां पे टेप होगा, सारा टेप यहां पे रेडियो होगा, और कोई भी आईपॉड यहां पे रेडियो नहीं बनेगा। ये टोटल टाइप से आपका प्रॉपर बन गया। राइट, सवाल देखिए, अ टेप कैन नेवर बी आईपॉड। तो अगर मैं यहां पे कहूं तो बिल्कुल, अगर कोई भी आपका रेडियो यहां पे आईपॉड नहीं है, अगर कोई भी रेडियो आपका आईपॉड नहीं होगा और सारा टेप अगर रेडियो के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टेप भी कभी भी आईपॉड नहीं होगा। तो यस, पहला बिल्कुल सही, पहला आपका 100% सही। नेक्स्ट पे आई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल दोस टेप विच आर रेडियो आर आईपॉड। देखो ये संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी अगर रेडियो यहां पे आईपॉड नहीं है, तो सारा टेप तो ऑलरेडी यहां पे रेडियो के अंदर है, तो वो आईपॉड हो जाए ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो यस, आपका सेकंड वाला कंफर्म गलत, 100% गलत। नेक्स्ट पे आइए, सम रेडियो आर एलेक्सा। अब मेरे भाई मुझे कंफर्म दिख रहा है कि अगर सारा एलेक्सा यहां पे रेडियो के अंदर होगा, तो रेडियो का कुछ पार्ट अपने आप यहां पे एलेक्सा होना ही होना है। तो जो चीज कंफर्म है वो चीज यहां पे डेफिनेट आपकी ट्रू हो जाएगी। तो यस, आपका फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्लियरली यहां पे सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर है, गेटिंग डन। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट। और आपका टाइमर स्टार्ट होता है, अब ध्यान से फोकस्ड होके प्रॉपर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट, ध्यान से करिए, अच्छे से, अच्छे से। कोई गलती नहीं है ना, कोई गलती नहीं। समय लीजिए, लेकिन गलती नहीं। ठीक है, और वो लोग जैसे आज मुझे यहां पे संख्या कम दिख रही है, तो कई लोग जो है वो 3 अक्टूबर को पेपर दे दिए होंगे। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये आपके अपकमिंग, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे इंश्योरेंस की वैकेंसी हो, या एसबीआई पीओ, सब में प्रॉपर काम आएगा। तो कभी भी ये मत किया करो कि एग्जाम खत्म हुआ कि नहीं, सॉरी एग्जाम खत्म हुआ कि नहीं, कि पढ़ाई मैंने छोड़ दी, ये कभी मत करना, क्योंकि 99% लोग यही गलती करते हैं, और 1% जो कंटिन्यूटी मेंटेन किए रहते हैं टिल लास्ट सिलेक्शन, उन्हीं का होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ऑल वन आर टू, सारा वन यहां पे टू है, तो यस सारा वन यहां पे टू है, कोई भी टू यहां पे फोर नहीं होगा, और कुछ सिक्स यहां पे टू है। तो इस टाइप से आपका प्रॉपर बन गया। सवाल देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल वन आर फोर, इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई भी दो अगर चार नहीं है, कोई भी दो अगर चार नहीं है, और सारा एक अगर दो के अंदर होगा, तो कोई एक भी कभी चार नहीं होगा। पहला पक्का गलत, पहला 100% गलत। सेकंड कहिए, ऑल टू बींग सिक्स। अब देखो, टू और सिक्स में केवल हमें सम पता है, टू और सिक्स में केवल हमें सम पता है, और जहां पे सम होता है वहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होती है। तो यस, आपका सेकंड वाला सही, सेकंड वाला 100% सही। नेक्स्ट पे आइए, सम सिक्स बीइंग फोर। अब देखो, सिक्स से फोर, मुझे ये पता है कि सिक्स का वो पार्ट जो कि टू में है, सिक्स का उतना पार्ट जो कि टू में है, वो तो कभी फोर नहीं होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ सिक्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पॉसिबिलिटी ऑलवेज आपकी ट्रू होती है। यानी मेरा जो आंसर है वो कंफर्म आपका सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो क्लियरली आपका सही जवाब हो जाएगा। इज इट सो, इज इट सो, यस नो? डन, समझ आया, समझ आया? ठीक है, बहुत जल्दी आएगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी आएगा। एलआईसी का भी, क्योंकि वैकेंसीज जरूर आएंगी, एलआईसी की भी, आरबीआई की भी, बिल्कुल वेट करिए। पेंडेमिक में थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन चीजें बहुत टाइम से आएंगे। चलिए नेक्स्ट, आराम से देखो, मिसिंग हमसे इनइक्वेलिटी इसमें क्या कहते हैं, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा। राइट, देखो वैकेंसी सब आएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, बस पेंडेमिक में थोड़ा सा चीजें डिले हो रही हैं। बाकी हर साल एक लास्ट का बंदा रिटायर होता है, तो सबसे बेसिक वाली पोस्ट खाली होती है, तो उसको भरने के लिए हमेशा लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखिए कि वैकेंसी जरूर आएंगी, बस पेंडेमिक के कारण चीजें थोड़ा डिले हो रही, बस। ठीक है, सवाल देखिए, अब आपको यू ग्रेटर जे, मुझे बात बताओ, यू से जे अगर मुझे जाना होगा, तो जो मुझे ट्रू करवाना है वो यहां पे ऑलरेडी मौजूद है। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, आप चाहे यहां पे ग्रेटर रखिए या ग्रेटर इक्वल रखिए, ये इक्वल बात बराबर होगी, बात बराबर होगी। लेकिन जब आप बी से ई जाएंगे, तो बी से ई जाने पे आपको ये श्योर हो गया कि आप केवल ग्रेटर नहीं रख सकते, आप केवल यहां पे ग्रेटर नहीं रख सकते, आप या तो यहां पे ग्रेटर इक्वल या तो आप इक्वल रखेंगे। तो यहां पे इक्वल कहीं है नहीं, सिंपल बी ऑप्शन, सिंपल आपका बी ऑप्शन, सिंपल यहां पे बी ऑप्शन। क्या हम ये बात समझ गए, क्या हम ये बात प्रॉपर समझ गए? क्लियर है कॉन्सेप्ट, डन, प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए, द टाइम स्टार्ट्स नाउ, ध्यान से, ध्यान से।
ध्यान से बहुत बढ़िया बहुत शानदार। बहुत सिंपल एक चीज समझो, आई से जी हमें लेस इक्वल को ट्रू करना है, और अगर मैं आई से जी जाऊंगा तो मुझे लेस इक्वल यहां पे कंफर्म ट्रू दिख रहा है, लेस इक्वल यहां पे कंफर्म ट्रू दिख रहा है, यानी इस वाले प्लेस में कंफर्म चीजें या तो लेस इक्वल बनेंगी या तो इक्वल बनेंगी, या तो लेस इक्वल बनेंगी या तो इक्वल बनेंगी, लेकिन लेस इक्वल मुझे ना तो इस ऑप्शन में ना तो इस ऑप्शन में ना तो इस ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, यानी मेरा आंसर कंफर्म यहां पर इक्वल होगा। जब मैं इक्वल को रखूंगा तब जाके आई लेस देन इक्वल जी आपका क्लियरली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हम ये बात समझ गए? यस और नो? गेटिंग डन एवरीवन? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या बोल रहे, इसको बताएं क्या बनेगा, ध्यान से आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई थिंक ये 20 सेकंड से भी कम का आंसर है, 20 सेकंड से भी कम का सवाल है ये। थैंक यू सो मच करुण्या कुमार जी, आज क्या है, वर्ल्ड टीचर डे है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो बहुत सिंपल, अगर मैं देखूं तो ए से ई आपका फाइनल कंक्लूजन क्या बनेगा, यहां पे ये ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, मतलब ये आपका बनेगा ए ग्रेटर इक्वल ई। इसको अगर आप दो पार्ट में काट लेंगे तो ये आपका बन जाएगा ए ग्रेटर ई, ये आपका बनेगा ए इक्वल ई। यस, आपका जो कंफर्म आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा आइदर, यस आइदर और इज द राइट ऑप्शन, कंफर्म आपका सी ऑप्शन, सी क्लियरली आपका सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रवीना, है ना, ऋषभ राय, थैंक यू सो मच, राइट। नेक्स्ट पे आइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से बताइए क्या आएगा, प्रॉपरली फोकस्ड, प्रॉपर फोकस्ड। देखो पहला क्या लिखा है, क्यू से ई लिखा है, क्यू से ई की रास्ता क्या है पहले ये देख लो। तो Q से E की रास्ता के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा Q से R तक, और फिर मैं जाऊंगा R से E तक। तो यहां मुझे लेस इक्वल मिल रहा है और यहां मुझे इक्वल मिल रहा है, यानी पहला हो जाएगा लेस इक्वल। यस, पहला बिल्कुल सही, पहला आपका 100% सही, यस बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सेकंड पे आइए, T से R। अब देखो T से R आप जाएंगे तो आपको इक्वल को प्रायोरिटी नहीं देनी है, यानी आपका सेकंड गलत। सिंपल यहां पे ओनली वन, सिंपल यहां पे ओनली वन क्लियर सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर। गेटिंग डन, ओके। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहे, इसको बताओ क्या आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये मैंने आपको ऐसा सवाल करवाया था, ऐसा सवाल अभी कल परसों या नहीं नहीं 3-4 दिन पहले किसी मॉक में मैंने ये सेम क्वेश्चन करवाया है, सेम पैटर्न पे करवाया। थैंक यू सो मच इमरान भाईजान, थैंक यू सो मच प्रज्ञा, थैंक यू सो मच पूजा कुमारी, थैंक यू सो मच। एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैंने आपसे यहां पर कहा कि मुझे 100% चीजें फॉल्स चाहिए, मतलब ये कहीं से भी पॉसिबल ट्रू ना हो, ये कहीं से भी पॉसिबल ट्रू ना हो, मुझे 100% यहां पे इसको फॉल्स ही करना है। मेरी बात समझिएगा, कई लोग जो मुझे ये कहें कि सर सी यहां पे ले लो, तो सी ऑप्शन अगर मैं यहां पे लेता हूं तो आप ओ से अगर डी जाएंगे तो यहां पे आपका साइन ऑपोजिट है, और जब साइन आपका ऑपोजिट होगा तो पॉसिबल ट्रू यहां पे ग्रेटर भी हो सकता है, आपका लेस भी हो सकता है, आपका यहां पे इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि जब भी साइन ऑपोजिट होता है तो पॉसिबिलिटी आपकी तीनों की बन सकती है। तो आप इसे डेफिनेट फॉल्स नहीं बोल सकते, और जब आप इसे डेफिनेट फॉल्स नहीं बोलेंगे तो यस यहां पे आ जाएगा क्या, यहां पे सिंपल आ जाएगा कि यस कोई भी कंडीशन यहां पे आपकी पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंडीशन आपकी यहां पे पॉसिबल नहीं होगी, राइट। ठीक है, तो यस आपका ये कंफर्म गलत, राइट डन, ओके। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहे, एक ब्लड का बहुत छोटा सवाल है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, प्रॉपरली मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि ब्लड में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से प्रॉपर वे में करिए, राइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए क्या बनेगा। ध्यान से, थैंक यू सो मच रजत अग्रवाल, थैंक यू सो मच। ऐप दोस्त वर्क कर रहा है ना, ऐप आई थिंक प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऐप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से, पेशेंस, समय लीजिए, है ना, समय लीजिए, आराम से, गलत मत करिए। मैं हमेशा ये कहता हूं जल्दबाजी कभी मत किया करो, मैं आपको टाइम पूरा यहां पे दे रहा हूं, और बिल्कुल ये पीओ लेवल का सवाल है,
बिल्कुल पीओ लेवल का, ठीक है। थैंक यू सो मच वैष्णवी व्यास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब देखो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करेंगे, प्रॉपर आप इसको कर कैसे पाएंगे वो समझ लिया। परिवार में कितने लोग हैं, थैंक यू सो मच स्मार्ट अभी, थैंक यू सो मच। परिवार में 8 लोग हैं, ठीक है, परिवार में यहां पे 8 लोग हैं, मेरी बात समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि आपको 3 जनरेशन और 3 मैरिड कपल एनी हाउ यहां पे बनाने हैं, समझिएगा। पहली लाइन यहां पे लिखी है कि आर एक अनमैरिड पर्सन होगा, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्यू इज द सास ऑफ एस, यानी क्यू कंफर्म यहां पे सास किसकी होगी, एस की होगी। तो हम यहां पे ये मान लेते हैं कि क्यू लेट सपोज यहां पे है, क्यू लेट सपोज यहां पे है, क्यू का कोई एक बेटा होगा और बेटे की पत्नी यहां पे एस हो जाएगी, हालांकि इसकी बेटी भी हो सकती है और बेटी का पति भी यहां पे आ सकता है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एस का जेंडर हमने बाई पॉसिबिलिटी बना दिया, राइट। आगे देखिए, यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू हैज नो सिबलिंग, तो यू जो है वो ब्रदर इन लॉ होगा डब्ल्यू का और डब्ल्यू का कोई सिबलिंग नहीं है, तो अभी मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और देखिए, टी इज द आंट ऑफ आर एंड आर इज द डॉटर ऑफ यू। अब ये ऐसे बन जाएगा कि आप इसको यहां पे ऐसे बना लीजिए कि यू इज द ब्रदर इन लॉ, मतलब मान लो कि यू की पत्नी का यहां पे भाई, तो ये गलत, क्योंकि W का कोई सिंबल नहीं है, ये यहां पे कोई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कंफर्म W और इसकी पत्नी यहां पे सिबलिंग हो जाएंगी। तो आप कंडीशन यहां पे ये बना सकते हैं, कंडीशन आप यहां पे ये बना सकते हैं कि अगर अगर यहां पे ये सिंपल, अगर मुझे U को सिबलिंग बनाना होगा, सॉरी W का कोई सिबलिंग अगर ना हो, तो आप एक कंडीशन ये ले लीजिए, अगर आप इसकी कोई एक बेटी यहां पे बना दीजिए और बेटी का पति अगर आपने यहां डब्लू कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि यस यू इसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, यू इसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा डब्लू का, ठीक है, और डब्लू का कोई भी यहां पे सिबलिंग नहीं है। आगे देखिए, टी इज द आंट ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ यू, तो यस यू और एस की डॉटर यहां पे आर हो जाएगी, और आर की जो आंट है अगर टी होगी, तो यस यू की बहन यहां पे आर वो हो जाएगी, टी हो जाएगी, यू की बहन कंफर्म यहां पे टी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यू इज द चाइल्ड ऑफ पी, तो यू इज द चाइल्ड ऑफ पी, मतलब पी इसके पति हो जाएंगे, पी कंफर्म इसके पति हो जाएंगे, एंड पी हु हैज वन ग्रैंड डॉटर एंड वन ग्रैंड सन, तो मुझे ग्रैंड डॉटर तो क्लियर हो गया, ग्रैंड सन का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और देखिए, यू हैज ओनली वन सिस्टर एंड नो ब्रदर, तो यस ये भी हमें क्लियर हो गया। डब्ल्यू इज द फादर ऑफ बी, तो डब्ल्यू अगर फादर यहां पे होंगे वी के, W अगर फादर यहां पे होंगे V के, तो मुझे कंफर्म पता है कि अगर ये फीमेल, तो ये कंफर्म यहां पे मेल हो जाएगा, कंफर्म यहां पे मेल हो जाएगा, और R यहां पे अनमैरिड, तो ये हमने पूरी कंडीशन इस टाइप से ड्रॉ कर दी। क्या हम ये बात समझ गए, क्या क्या डायग्राम यही बनेगा, क्या क्वेश्चन का डायग्राम एग्जैक्टली यही बनेगा, ऐसा यही बनेगा प्रॉपर, ठीक है। सवाल एक बार देखो, कह रहे बताओ V का रिलेशन P के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो P के रेस्पेक्ट में जो V है वो कंफर्म इसके हो जाएंगे ग्रैंडसन, तो यस पहले का आंसर यहां पे ग्रैंडसन, पहले का आंसर 100% यहां पे ग्रैंडसन। सेकंड क्या हो, कह रहे टी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, तो टी की सिस्टर इन लॉ कोई और नहीं, यहां पे एस हो जाएगी, यानी पहले का आंसर यहां पे सी आएगा, सेकंड का यहां पे बी आ जाएगा, यही इसका एग्जैक्ट आंसर आपका बन जाएगा। गेटिंग डन, समझ आया, क्लियर, ओके चलो। तो मैं देरी अब बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है, इस टॉपिक को जल्दी से आते हैं, इसके बाद आपका पजल बन जाएगा। ये एक्चुअली में एग्जाम में नहीं पूछा गया, 3 अक्टूबर को ये एग्जाम में कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते कि एग्जाम में नहीं आएगा, राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये सवाल 100% पूछा जा सकता है, राइट। देखो कह रहा है कि यदि तुम सारे केस को यहां पे ड्रॉप कर दो, तो मुझे बताओ 7th फ्रॉम राइट क्या होगा, तो ये 2, 2 4, 2 6 और 7th आपका हो जाएगा पी, 7th आपका हो जाएगा पी, पी मतलब यहां पे डी ऑप्शन, क्योंकि आपने के को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, के को आपने सिंपल एलिमिनेट कर दिया, तो यहां पे सिंपल पी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। जल्दी सर, नहीं जब आते हैं तो पूरे 5 आते हैं मोनिका, पूरे 5 यहां पे आते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अब
पजल को बिल्कुल भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। जितनी पजल मैं करवाऊं प्रॉपर सीरियस होके आप करेंगे, राइट? ठीक है, चलिए सवाल देखिए। आपको 25वां फ्रॉम राइट, देखो पहले पहले देख लो 25वां क्या है। यहां पे दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह दो अठारह दो बीस दो बाईस दो चौबीस और एक 25। अब ये 25वां है मतलब ये लेफ्ट हैंड से 15वां तो अपने आप हो जाएगा, 15वां अपने आप हो जाएगा। तो यहां पे वी के जस्ट बाद आएगा डब्ल्यू, क्योंकि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 लेटर को अगले लेटर में आपको चेंज करना है। तो यहां अगर मैं देखूं ये चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, दस हो गया, 11वां हो गया, मतलब ये 15 के अंदर आएगा। तो यस, वी के जस्ट बाद आएगा डब्ल्यू, मतलब सी ऑप्शन। वी के जस्ट बाद आएगा डब्ल्यू, मतलब सी ऑप्शन। तो यस, सी क्लियरली आपका सही जवाब, सी क्लियरली आपका सही जवाब। राइट, नेक्स्ट पे आइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ध्यान से ध्यान से बताएं क्या बनेगा, बहुत ध्यान से, प्रॉपर फोकस्ड होके। अच्छा लाइक करते जाओ, है ना, लाइक के लिए मुझे बोलना ना पड़े, लाइक के लिए मुझे बोलना ना पड़े। राइट, सवाल ध्यान से देख लो। सारे जी को और सारे पी को क्या करना है, हटाना है हमें। जब हम हटाएंगे तो हमें पूछा गया फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। तो राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, राइट राइट का आपका कॉम्बिनेशन है, तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा। 6 को आप क्या कहते हैं, कहां से काउंट करेंगे, सिंपल राइट हैंड से। तो ये आपका बनेगा दो, ये दो चार, उसके बाद आपका छठा यहां पे बी आएगा, क्योंकि अगर आप जी और पी को हटाएंगे भी तो भी आपका बी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जी और पी को हटाएंगे भी तो भी आपका राइट इन से जो सिक्स है वो सिंपल आपका बी ही आएगा, यानी सी ऑप्शन। सिंपल यहां पे सी ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डन, प्रॉपर गेटिंग एवरीवन, डन। ओके, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको बताएं क्या बनेगा। जो टाइम स्टार्ट नाउ, ध्यान से बहुत फोकस्ड हो गए। इसके बाद पजल है, एक भी पजल को कोई स्किप नहीं करेगा। अपकमिंग आपके एसबीआई पीओ होंगे, ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा, तो कोई भी ऐसी पजल को स्किप नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये पजल जो है इसको आप आरआरबी पीओ से तुलना मत करिए, आईबीपीएस या आरआरबी क्लर्क से आप तुलना बिल्कुल मत करिए। राइट, सवाल 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो मुझे पता है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, मुझे यहां पे ऐड करना पड़ेगा, यानी 10 और 7 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17 काउंट कर लो। तो यहां पे आपका दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह 17, यहां पे ओ मतलब डी ऑप्शन, ओ मतलब डी ऑप्शन। सिंपल यहां पे डी ऑप्शन। गेटिंग एवरीवन, क्लियर कॉन्सेप्ट, डन है, समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। पहली पजल आपके सामने, ध्यान से देखो सवाल को और कैसे करना है ये समझ लो। पांच लोग हैं, ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, अलग अलग इनकी ड्रेस का जो है वो यहां पे पैसा है। आपको बताना है कौन कहां पे एग्जैक्टली आएगा, इस चीज को आपको ड्रॉ करना है। आप समझिए कंडीशन, आप क्या लेके चलेंगे और किस टाइप से आप इसकी पॉसिबिलिटी को डन करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छोटा है लेकिन भारी है, राइट? छोटा है लेकिन भारी है, ध्यान से देखो। रैंक बेस्ड है, रैंक बेस्ड में हमेशा आप रैंक की प्रायोरिटी लेके चलेंगे, राइट? ध्यान से, मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं, 30 सेकंड मैं आपको और दे रहा हूं, राइट? हार्डली 30 सेकंड। बहुत लोगों का यहां पे डन हो गया है, राइट? लाइक यहां पे स्मार्ट अवी, शालिनी, प्रवीणा, वैष्णवी, समीना, रोहन, राजीव, इमरान, पूजा, भाग्यश्री, फैज,
चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक समझते हैं, जिन लोगों को डाउट है कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। देखो जब भी आपको रैंक दे हमेशा आप रैंक को प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहां पे 5 लोग हैं तो यहां पे ए बी सी डी आप नहीं लेंगे, आप रैंक बनाएंगे। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और फिर आपका 5 हो गया। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनका अलग अलग पैसा भी है, अलग अलग लोग भी हैं। सी जो है वो 1600 के ठीक बाद आएगा, मतलब लेट सपोज 1600 को हमने यहां रखा, इसके ठीक बाद सी आ जाएगा। कहां पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एक का गैप सी और डी के बीच में, तो एक का गैप सी और डी के बीच में, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। और देखिए तीन का गैप डी और 2100 के बीच में है। देखो डी 2100 के बीच में तीन का गैप, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपने डी को यहां रखा तो 1 2 3 छोड़ के 2100 आपका यहां पे आएगा, और अगर लेट सपोज आपने डी को यहां रखा तो 1 2 3 छोड़ के 21 आपका यहां पे आ जाएगा। आपको पता है डी और सी में एक का गैप, तो सी पक्का यहां पे आ जाएगा, 16 यहां पे आ जाएगा। सी आपका पक्का यहां पे आ जाएगा, 16 आपका कंफर्म यहां पे आ जाएगा। हम दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ बनाते हुए चल रहे हैं। ए का जो ड्रेस है वो 4500 के ठीक पहले आएगा, मतलब 4500 जहां भी आएगा उसके ठीक पहले ए आ जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी कहां पे डन एक बार देख लेते हैं। 21 यहां पे हो गया, 45 यहां रखोगे ए कभी नहीं आएगा, यहां पे 16 भरा हुआ है तो आप 45 कंफर्म यहां करेंगे तब जाके आपका ए यहां पे होगा। और यहां पे नीचे आपकी दो पॉसिबिलिटी, या तो आप 45 को यहां रखें तो ए आपका यहां पे आ जाए, या तो आप 45 को यहां रखें तो ए आपका यहां पे आ जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ आपकी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। और देखिए ए और डी का जो अमाउंट है वो टोटल 5000 रुपए है, तो 5000 ए और डी का अमाउंट, ए और डी का अमाउंट 5000 है, फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास। और देखिए जो बी का अमाउंट है वो ई से 500 रुपए कम है, यानी ई जहां भी होगा, ई जहां भी होगा ई से 500 रुपए कम आपका बी का अमाउंट हो जाएगा। और ई जो है वो बी के पहले आएंगे, मतलब बी के पहले कंफर्म यहां पे ई हो जाएंगे। तो एक चीज श्योर है कि यहां पे कंफर्म बी और ई एग्जैक्टली यहां बनेंगे, एग्जैक्टली यहां बनेंगे। और मुझे यह भी कंफर्म पता है कि ई से 500 कम बी का अमाउंट है, तो ई से 500 कम अगर यहां पे बी का अमाउंट होगा, यानी इसकी कंडीशन ये बनेगी। एक बार ये वाली लाइन एक बार देख ले, द अमाउंट ऑफ बी बॉट, अच्छा सॉरी सॉरी 500 ज्यादा है, माई मिस्टेक, 500 ज्यादा है ई से 500 ज्यादा है, माई मिस्टेक, 500 यहां पे ज्यादा होगा, तो ई से 500 ज्यादा बी होगा। यानी अगर बी का यहां पे 21, बी का यहां पे 21 तो इसका यहां पे 1600 हो जाएगा, इसका कंफर्म यहां पे 1600, दो अमाउंट यहां पे 1600 हो रहे हैं, दो अमाउंट यहां पे 1600 हो रहे हैं। ए और डी आपका यहां पे 5000 बनेगा, तो 5000 मतलब अगर ये 1600 होगा तो यहां पे तो इसका 3400 होना चाहिए। क्या ये ट्रू है पहला वाला, क्या ये पहला वाला यहां पे ट्रू है, सोटो क्या पहला वाला ट्रू है? अब इसको देखिए एक बार, यहां पे अगर मैं एक कंडीशन यहां पे जज करूं कि लेट सपोज मान लीजिए 45 ए 45 है, मान लीजिए मैंने इसको यहां से हटा दिया, मान लीजिए मैंने इसको यहां से हटा दिया, तो आप ई के पहले यहां पे बी के पहले ई करेंगे। मान लीजिए बी आपका यहां पे आपका ई आ जाएगा, ई का यहां पे 21 मतलब बी का पक्का यहां पे 2600 हो जाएगा। और मुझे पता है ए और डी का एडिशन 3400 है, यानी अगर ये 1600 होगा तो ये आपका हो जाएगा 3400 और ये कंफर्म आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपका पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि दो लोगों की अमाउंट यहां पे सेम आ रही है, दो लोगों की अमाउंट यहां पे सेम आ रही है, और यहां पे लिखा था ईच पर्सन स्पेंड डिफरेंट अमाउंट। यहां पे हमने पढ़ा था कि हर एक इंसान का जो अमाउंट होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए आपका पहला वाला गलत, सेकंड वाला कंफर्म आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हम ये बात समझ गए? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा पजल को बहुत ध्यान से करो, नहीं हो रहा है समझो, लेकिन पीओ में बिल्कुल मजाक नहीं, क्योंकि पीओ में बहुत सारे बच्चों को केवल पजल में दिक्कत हुई है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पजल में थोड़ा फोकस और डालो और समझो कंडीशन क्या है, हम इसको और लॉजिक तरीके से कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। राइट, ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट पजल। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं, देखो ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेम टाइप की पजल आपके एग्जाम में पूछी गई थी। एक बार सवाल देख लीजिए ध्यान से। सवाल यहां लिखा है कि 7 लोग हैं, अलग अलग यहां पे इनका महीना है और इनको अलग अलग चीजें पसंद है। बिल्कुल सेम टाइप की पजल आपके आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है, ध्यान से करें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं और फिर करिए। राइट, बहुत ध्यान से, पजल में बिल्कुल मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। राइट, ठीक है, मैं हो सकता है कल की क्लास में पजल स्पेशल लूं,
कल की क्लास हो सकता है मैं पजल स्पेशल लूं, जिसमें कम से कम मैं आपको 10 पजल करवाने वाला हूं, गेटिंग ओके? कल की क्लास हो सकता है आपकी पजल स्पेशल हो जाए, जहां पे मैं 10 पजल रंग रंग करवाने वाला हूं। ध्यान से, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। चलिए 1 मिनट और। नाउ फाइन, अभी ठीक है, 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 नाउ फाइन, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, अभी ठीक है, ओके, चलिए, ओके, अभी ठीक है ना, डन प्रॉपर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इस सवाल को देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, ताकि परेशानी परेशान ना होना पड़े, स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले लिया करो। अभी ठीक है ना, शिवाय जोशी अभी प्रॉपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउ लेट मी चेक। देखो सवाल एक बार ध्यान, देखो जब भी आपका शेड्यूल दे, ऑलवेज आप शेड्यूल को ही प्रायोरिटी देंगे, उसको बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध दीजिए, कैसे? जनवरी आपका दिया है, बना लीजिए, यहां पे जनवरी हो जाएगा, देन यहां पे फेब हो जाएगा, उसके बाद यहां पे अप्रैल हो जाएगा, देन यहां पे आपका जून हो जाएगा, जून के बाद यहां पे आपका अगस्त हो जाएगा, अगस्त के बाद यहां पे अक्टूबर होगा, देन आपका यहां पे दिसंबर हो जाएगा। तो ये टोटल इतने आपके मंथ बन जाएंगे, टोटल इतने आपके मंथ यहां पे प्रॉपर बन गए, नाउ सवाल एक बार ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि ए उस महीने आएगा जो 31 से कम होगा। देखो 31 से कम वाला महीना कौन सा है? आपका एक तो अप्रैल है, एक फेब है, एक आपका जून है, यही हो सकता है। तो आप ए को या तो फरवरी आप ले सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। मैं आपके लिए तीनों पॉसिबिलिटी लेता हूं। ए को मैं यहां पे अप्रैल भी मान लेता हूं, और एक और मैं आपके लिए यहां मान लेता हूं कि ए यहां पे जून में आ जाएगा, ए कंफर्म यहां पे जून में आ जाएगा। हम तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दो का गैप ए और एफ के बीच में, तो एक दो छोड़ के यहां पे एफ बनेगा, एक दो छोड़ के यहां पे एफ बनेगा, और यहां पे एक दो छोड़ के या तो एफ आपका बॉटम लाइन पे या तो टॉप पे आ जाएगा। यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी, यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ। नेक्स्ट देखिए, जो लीची फ्रूट है वो एफ के जस्ट ऊपर आएगा, यानी एफ अगर यहां पे लीची आपका यहां पे हो जाएगा, एफ यहां पे लीची आपका यहां पे, लीची आपका यहां पे हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली पॉसिबिलिटी गलत, तो यस यहां पे आपका एफ हट गया, यहां पे सिंपल आपका एफ हट गया। आई होप सो आपको ये क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन कह रहे हैं दो का गैप लीची और ऑरेंज के बीच में है, लीची आपका यहां पे दो छोड़ के ऑरेंज, या तो यहां पे दो छोड़ के ऑरेंज, या तो यहां पे दो छोड़ के ऑरेंज पक्का, यहां पे दो छोड़ के ऑरेंज पक्का, यहां पे हमने दोनों पॉसिबिलिटी प्रॉपर बना ली। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि जो आपका बी है वो बनाना फ्रूट होगा, और वो 31 से कम वाले महीने में आएगा, तो 31 से कम वाला बी साथ में बनाना, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में फरवरी भर गया, जून भर गया, मतलब बी और बनाना पक्का यहां पे आएगा, पक्का यहां पे आएगा। यहां पे ऑरेंज अप्रैल, यानी बी बनाना यहां पे आ जाएगा, बी बनाना यहां पे आ जाएगा, और यहां पे फरवरी में आपका बी के साथ कंफर्म यहां पे आपका बनाना हो गया। हम तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चल रहे हैं। अगला देखिए, मिनिमम चार का गैप गुआवा एप्पल के बीच में है, और एप्पल जो है वो गुआवा के ऊपर आएगा। सो मिनिमम चार का गैप, नाउ लेट सपोज अगर मैं गुआवा यहां रखूं, एक दो तीन चार, तो मुझे ये श्योर है कि ऑरेंज की यहां पे एक पॉसिबिलिटी जाएगी, पहली वाली पॉसिबिलिटी में ऑरेंज की एक पॉसिबिलिटी जाएगी। यहां पे अगर मैं गुआवा को यहां रखूं तो एक दो तीन चार पांच यहां पे आ जाएगा एप्पल, सेम यहां पे, अगर यहां भी आप गुआवा को यहां पे रखेंगे तो टॉप पे यहां पे एप्पल हो जाएगा। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी में ऑरेंज की पॉसिबिलिटी है, बाकी सब का सब आपका लगभग सेम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं यहां पे कि
तीन से ज्यादा लोग जी और एफ के बीच में नहीं होंगे, तो जी और एफ के बीच में तीन से ज्यादा लोग नहीं होंगे, यानी तीन हो सकते हैं, तो या तो आपका जी यहां पे आ जाए, और हालांकि जी आपका आजू बाजू भी हो सकता है। जी और एफ में तीन से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, यानी एक दो तीन जी मैंने यहां कर दिया, एक दो तीन जी मैंने यहां कर दिया, और गैप तीन से कम दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। और देखिए ई जो है वो डी के जस्ट ऊपर, तो मेरे भाई डी के जस्ट ऊपर ई आएगा, तो जी डी के जस्ट ऊपर यहां पे ई मेरा यहां पे आ जाएगा, डी के जस्ट ऊपर कंफर्म ई मेरा यहां पे आ जाएगा। इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे जी को यहां से हटाना पड़ेगा, जी या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा, उस हिसाब से डी और ई पक्का यहां पे आ जाएंगे, डी और ई कंफर्म यहां पे आ जाएंगे। इस वाली पॉसिबिलिटी में डी और ई पक्का यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर लिखा है कि तीन का गैप ग्रैप्स और जी के बीच में होगा। देखो ग्रैप्स और जी के बीच में तीन का गैप होगा, जी यहां पे है, एक दो तीन छोड़ के ग्रैप्स आपका यहां बन सकता है, ग्रैप्स आपका यहां बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ग्रैप्स आपका। जी अगर यहां पे है, एक दो तीन छोड़ के नहीं बनेगा, ये पॉसिबिलिटी गलत। जी यहां पे है, एक दो तीन छोड़ के नहीं बनेगा, ये पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए, जो आपका मैंगो है वो 31 से कम वाले महीने में आएगा, तो मैंगो वाला 31 से कम वाले महीने में आएगा, यानी मैंगो कंफर्म यहां पे, मैंगो कंफर्म यहां पे। अब जब मैंगो आपका यहां पे हो गया, तो आप इस लाइन को डन कर लीजिए कि जो गुआवा और एप्पल है उसमें चार का मिनिमम गैप होगा और एप्पल गुआवा के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिंपल गुआवा को यहां पे रखा, तो आप टॉप से यहां पे ऑरेंज को हटा लीजिए, क्योंकि ऑरेंज अब आपका नीचे ही आएगा, क्योंकि मैंगो की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, तो यहां पे कंफर्म एप्पल बनेगा, सब हो जाएंगे, यहां जो परसेंट बचेगा वही इसका आंसर। क्या हम ये बात समझ गए? क्या हम ये बात प्रॉपर समझ गए? सुनो, क्या हम इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ गए? क्या हम इस क्वेश्चन का तरीका प्रॉपर समझ गए? आपको बस यही अप्रोच एग्जाम में लगानी है। मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं, तो शायद 1-2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, लेकिन जब आप अकेले में इसको करेंगे तो हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा, क्योंकि सवाल लेंथी है और पीओ लेवल का है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कंडीशन कैसे आपको। सतीश नाइन अपनी अरेंजमेंट में है, ठीक है, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। 7 स्टोरी की बिल्डिंग है और अलग अलग यहां पे देश के लोग हैं, तो 7 लोग 7 अलग अलग देश आपको बताना है कौन कहां पे आएगा। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए सवाल पे आइए। ध्यान से, बिल्कुल पीओ लेवल है, बिल्कुल पीओ लेवल है। 2 वेरिएबल आपका केवल पीओ ही पूछता है, वो भी आईबीपीएस या आईपीएस या SBIPO या LIC AA या OIACLAA या आपका NIACLAA, राइट, सिर्फ यही पूछते हैं डबल वेरिएबल। अच्छा, क्या लाइक करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा क्या? यहाँ मैं देख रहा हूँ नियर बाई 118+ नंबर्स हैं, लाइक खाली 70-75, क्या बोलना पड़ेगा क्या मुझे? एक बार ठोक के लाइक करो, ठोक के लाइक करो एक बार। नेक्स्ट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब इस सवाल को कैसे करोगे, बहुत ध्यान से समझ लो, राइट, क्योंकि स्टिल 2रा मिनट खत्म होने को आया है। अभी बहुत कम लोगों का यहां मुझे डन डन वर्ड दिख रहा है, बहुत कम लोगों का।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल शांतनु, बिल्कुल। हाँ, ऐप वालों को मैं लाइट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता हूँ, है ना, ऐप वालों को। देखिए, अब जाके मुझे यहाँ पे यूट्यूब से लाइक अंकिता पांडे, पंकज आरती, फैज पूजा, ठीक है, एंड ऐप से कांची शर्मा, मीनाक्षी राणा, इन लोगों का अब जाके मुझे डन दिख रहा है आफ्टर 2 मिनट। तो अब मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ज्ञान ज्योति हम लोग देख लेते हैं सवाल किस टाइप से क्या बोल रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत फोकस्ड होके देखिए कैसे आपको करना है। हमने यहाँ पे पहले 7 फ्लोर बना लिए, आप बस इसमें कंडीशन देखिए, क्या आप यहाँ पे डेफिनेट ले सकते हैं, क्या कंडीशन आप यहाँ पे डेफिनेट ले सकते हैं, केवल वो देखो। सवाल बहुत आराम से कर लोगे, देखो कैसे, समझिएगा बहुत ध्यान से। वियतनाम वाला ए के ऊपर होगा, कितना ऊपर होगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ऊपर होगा ये हमें पता है। जी नंबर 5 में, तो जी को हमने नंबर 5 कर दिया। 2 का गैप ई और सी में, तो ई और सी में 2 का गैप होगा, नहीं पता मुझे कहां पे आएंगे। युगांडा वाला टॉप मोस्ट फ्लोर में, तो टॉप मोस्ट फ्लोर में युगांडा का पर्सन आएगा, ठीक है। तंजानिया जो है वो ई के जस्ट ऊपर, तो ई के जस्ट ऊपर आपका तंजानिया आ जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट देखिए, सी जो है वो इवन नंबर फ्लोर, मतलब ये या तो 2 या तो 4 या तो 6, बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखिए, एफ जो है वो रशिया से बिलोंग करेगा, तो एफ जहां भी आएगा रशिया से बिलोंग करेगा, रूस से बिलोंग करेगा। 1 का गैप बी और क्वींसलैंड के बीच में है, तो आपको अगेन बी और क्वींसलैंड के बीच में एक भी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही होगी। 3 का गैप ए और पेरिस के बीच में है, तो ए और पेरिस के बीच में 3 का गैप है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए और पेरिस में 3 का गैप है। और जी और ई कभी भी स्वीडन नहीं जाएंगे, मतलब यहां पे कभी स्वीडन नहीं आएगा, और ई के सामने भी कभी भी आपका स्वीडन नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको जरा ध्यान से देखो। मुझे पता है सी इवन पे आएगा और ई के ठीक ऊपर युगांडा आएगा, तो आप अगर 4 पे सी को, लेट सपोज मान लीजिए सी को हमने नंबर 6 पे किया, ठीक है, तो 2 छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा, ई के ऊपर यहाँ पे आपका तंजानिया आ गया, या आप इसको 2 पे यहाँ रखें, 2 छोड़ के आपका ई कभी नहीं आएगा। तो या तो 4 या तो 6 की पॉसिबिलिटी, या तो 4 या तो 6 की पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ संभव नहीं है, ये आपको श्योर है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ जी रखा और यहाँ पे आपका जी हो गया, तो एक कंडीशन आप सी यहाँ रखिए, 1 2 छोड़ के यहाँ पे ई, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफर्म तंजानिया। सेम एक कंडीशन अगर आप सी को यहाँ रखेंगे, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे ई आएगा, ई के सामने कंफर्म तंजानिया। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी ले लो, बात खत्म हो जाएगी, राइट। अब हमें पता है कि ए और पेरिस में 3 का गैप है, एफ जो है वो रशिया से बिलोंग करेगा, तो एफ रशिया पहली पॉसिबिलिटी, यहां नहीं रख सकते, इन दोनों में किसी एक पे हो सकता है, तो एफ रशिया लास्ट में कहीं पे आएगा। और देख लेते हैं और क्या बनेगा। बी और क्वींसलैंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ए पेरिस में 3 का गैप, तो ए पेरिस में 3 का गैप, अगर आप ए यहां रखोगे, 1 2 3 छोड़ के ई के सामने पेरिस हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वियतनाम ए के ऊपर आएगा, मतलब आप ए कभी टॉप पे नहीं कर सकते, ए को आप टॉप पे करोगे, ए के ऊपर वियतनाम कभी नहीं आएगा। तो मेरे पास एक कंडीशन ये है, देखो ए को मैं यहां रखूंगा, कहीं नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 पेरिस यहां नहीं आएगा और नीचे भी नहीं हो सकता। तो या तो लेट सपोज मान लीजिए मैंने ए को यहां कर लिया, मान लीजिए मैंने यहां कर लिया, तो 1 2 3 छोड़ के आपका जो पेरिस है वो यहां पे आ गया, पेरिस यहां पे आ गया, बाई पॉसिबिलिटी है, ये गलत भी हो सकता है, राइट। उस हिसाब से एफ आपका यहां पे आएगा, एफ के सामने रशिया आपका यहां पे आ जाएगा, रशिया क्लियरली यहां बन गया। बी और क्वींसलैंड में 1 का गैप है, तो बी और क्वींसलैंड, तो यहां तो मैंने पेरिस कर दिया, यहां मैंने सिंपल पेरिस कर दिया, यहां मैंने बहुत सिंपल पेरिस कर दिया। तो अगर पेरिस यहां पे होगा, तो बी मैं 7 पे रख नहीं सकता, क्योंकि 1 छोड़ के क्वींसलैंड कभी नहीं आएगा, यानी बी पक्का आएगा नंबर 4 पे, तो 1 छोड़ के यहां रशिया, तो यहां कंफर्म क्वींसलैंड आ जाएगा, यहां कंफर्म क्वींसलैंड आ जाएगा। और ए के ऊपर चूंकि मुझे क्या कहते हैं वियतनाम पता है, तो ए अगर यहां पे, तो वियतनाम कंफर्म आपका यहां पे हो जाएगा, और वियतनाम अगर यहां पे हो जाएगा, सारे देश हो जाएंगे, तो यहां पे आपका आई थिंक स्वीडन आएगा, स्वीडन अगर यहां पे, तो सब हो जाएंगे, तो ए बी सी डी आपका आएगा टॉप पे, और यही इसका आंसर। क्या हम ये बात समझ गए, क्या हम ये बात समझ गए, क्या हम ये बात प्रॉपर समझ गए, ये सुनो। तो आपको पॉसिबिलिटी बनानी है, आपको समय नहीं गंवाना है, आपको एक पॉसिबिलिटी, मैं कह रहा हूं एक पॉसिबिलिटी मैं नहीं कर पाता, एक पॉसिबिलिटी में भाई मेरा आंसर नहीं आएगा भाई, संजू सी सेकंड प्लेस पे इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सी को यहां रखेंगे, तो आपका ई ऑलरेडी नंबर 5 पे बैठा है, यानी 1 2 छोड़ के आप ई को नंबर 5 पे कभी कर नहीं सकते हैं,
राइट, समझ आया? इसलिए संजू हम सेकंड प्लेस पे सी को नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, चलिए एक बार ठोक के लाइक करो, अगले सवाल पे आओ। ये डिट्टो सवाल पूछा है मेरे भाई, डिट्टो सवाल। बस यहां पे 14 लोग नहीं थे, यहां पे लोग 12 थे। डिट्टो आपके एग्जाम में ये सवाल आया है, 14 लोग नहीं थे, लोग केवल 12 थे, 6 नीचे 6 ऊपर। ठीक है, चलिए ध्यान से करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ, 14 नहीं थे, 12 लोग थे, लेकिन डिट्टो सवाल है, बताइए ध्यान से। हाँ, क्या कह रहे हैं राघव कि सर आपने जो ओनली का कॉन्सेप्ट हुआ आपका गलत है। मेरे भाई, किसी एक प्लेटफॉर्म के कह देने से ओनली का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तुम्हें वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है तो तुम्हारी स्वेच्छा है, मैं उसको नहीं पढ़ाने वाला। और उसको अगर तुम ये कहोगे कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तो हाँ, मैं उसको गलत पढ़ा रहा हूं। ठीक है, किसी एक प्लेटफॉर्म के कह देने से कभी भी कोई जो सच है वो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सर्च करोगे तो खाली एक दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जो उस पर अपना दावा ठोकते हैं, बाकी रेस्ट ऑल। और लॉजिकली आप उसको देखोगे, लॉजिकली आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, ओनली हर जगह फॉलो करता है, राइट? ठीक है, मैं आपको और क्या बताऊं, पहले मैं खुद ओनली के उस कॉन्सेप्ट को उसी तरह करवाता था, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं, फिर इसका हमने लॉजिक समझा, चीजों को डिटेल समझा, बहुत जाना, तब जाके अब ये कह सकते हैं कि यस, ओनली फॉलो करता है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए राघव मेरे भाई ये समझ लो कि मैं गलत हूं। ठीक है, अगर इसमें आपको खुशी मिल रही है तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब कमेंट मत करना, वरना मेरे पास फिर दूसरा ऑप्शन भी है। चलिए, ओके, 30 सेकंड में आपको और दे रहा हूं, 30 सेकंड में आपको और दे रहा हूं, ध्यान से ध्यान से। अगस्त्य कह रहे हैं नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं अगस्त्य, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। रिश्ता बस इसको कर लीजिए, है ना? चलिए ध्यान से सवाल को देखते हैं। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि कई बच्चों का देखो, 90% बच्चों ने कहा कि सर हम इसको कर ले गए। 90 क्या, 99% बच्चों ने बोला कि सर जो 9 लोगों वाली, 6 6 लोगों की कंडीशन थी वो आपका डन हो गया। यस, ओनली एज बी मतलब होता है ऑल बीज है, बिल्कुल ठीक है, ऑल बीज है होता है, राइट? ठीक है, सवाल देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 लोग बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये 14 लोग पता ही नहीं है कहाँ पे है। मैंने इसको और टफ कर दिया, मैंने इसको और टफ किया है, क्योंकि नॉर्मली आपको ये पता होता है कि 7 ऊपर ये लोग हैं, 7 नीचे ये लोग हैं। यहां पे आपको ये भी नहीं पता कि वो कहां देख रहा है। मेरी बात समझिए, W कभी नॉर्थ फेसिंग नहीं होगा, और N कभी नॉर्थ फेसिंग नहीं होगा और W के इमीडिएट राइट में। तो आपको ये श्योर है कि W भी साउथ फेसिंग होगा, W भी आपका साउथ फेसिंग होगा और W के इमीडिएट राइट में N आएगा, और N भी आपका साउथ फेसिंग होगा। ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, W कभी भी किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा, यानी W कभी भी अंतिम छोर पे नहीं आएगा। ओके, वी जो है वो एन के चौथे राइट में, तो मेरे भाई अगर एन के चौथे राइट में वी आएगा तो आपको पोजीशन श्योर हो गई कि जब आप डब्ल्यू को यहां रखेंगे तभी आपका, जब आप डब्ल्यू यहां पे तभी आपका एन यहां पे आएगा, तभी एन के चौथे राइट में यहां पे वी होगा, क्योंकि और कहीं भी ये कंडीशन आपकी जम नहीं सकती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, अब लिखा है कि यू जो है वो उस पर्सन के थर्ड राइट में है जो वी के ऑपोजिट है, तो V के ऑपोजिट जो पर्सन है उसके थर्ड राइट में यहां पे U आ जाएगा। ये बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे देखो,
अब लिखा है कि जेड कभी भी नॉट फेस नहीं करेगा और पी और आर के बीच में होगा। तो मेरे भाई जेड कभी नॉट फेस नहीं करेगा, पी और आर के बीच में होगा, तो मैं श्योर हो गया कि जेड यहां पे आएगा और पी और आर या तो यहां पे आएगा, पी और आर कंफर्म या तो यहां पे आएगा, लेकिन पी और आर की एग्जैक्ट मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं पता है कि क्या आएगा। राइट, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पी जो है वो उस पर्सन के पांचवें लेफ्ट में होगा जो वाई के ऑपोजिट है, यानी वाई के ऑपोजिट जो है उसके पांचवें लेफ्ट के सामने पी आएगा। तो आप श्योर हो गए कि वाई यहां पे आएगा, बहुत अच्छे से आप श्योर हो गए। वाई का पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यहां पे ये पर्सन, और इसके सामने पी कंफर्म हो गया, इसके सामने पी आपका कंफर्म हो गया कि यहां पे कंफर्म आपका पी बनेगा, यहां कंफर्म पी बनेगा, यहां पे 100% आपका यहां पे आर बनेगा। ये बात भी हमने क्लियर कर ली, ये बात भी हमने कंफर्म क्लियर कर ली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पे है कि एस जो है वो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पे एस होगा। हमें ये चीज श्योर हो गई कि दोनों पक्का नॉट फेस करेंगे, लेकिन अभी एग्जैक्टली कहां पे आएंगे अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और देखिए, ओ के चौथे लेफ्ट में एक्स आएगा, तो मेरे भाई ओ के चौथे लेफ्ट में, तो अगर मैं ओ को यहां रखूंगा, एक्स आपका यहां बनेगा, जो कि गड़बड़, क्योंकि एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स, सॉरी, एस होगा, यानी ओ पक्का यहां पे आएगा। तो ओ का पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, और यहां पे आएगा एक्स, और एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पे आ जाएगा एस। ये आपकी पॉसिबिलिटी इस साइड से डन हो गई। एम कभी भी ओ का नेबर नहीं, तो ओ के बगल में एम नहीं, एम पक्का यहां पे आ जाएगा, सब आपके यहां पे हो जाएंगे। तो यहां पे एक भाई साहब कौन कौन बचे, एक तो मुझे क्यू दिख रहा है, क्यू यहां पे बच गया, और एक आई थिंक यू दिख रहा है। तो क्या क्यू और यू की पॉसिबिलिटी है क्या, क्या क्यू और यू, नहीं, आई थिंक यू तो, एक मिनट, यू है क्या, यू तो है, अच्छा यू तो हमने, क्यू और टी, सॉरी क्यू और टी, माई मिस्टेक, क्यू और टी, क्यू और टी। तो क्या क्यू और टी की पॉसिबिलिटी, अभी तक मैंने सॉरी वैसे कंफर्म देखा नहीं, एक बार देख लेता हूं क्या क्यू और टी के रिगार्डिंग कुछ लिखा है क्या। हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एम और क्यू सिटिंग इन अ सेम रो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेट होगा, ये डेफिनेट होगा, पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, डेफिनेट होगा। राइट, ठीक है, चलिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्यू, क्यू अगर यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा टी। ठीक है, आज मैं आपको ये बता देता हूं, अभी अभी से मैं आपको सबको बता देता हूं, आपको इसको मैक्सिमम मैक्सिमम आपको इसको शेयर करना है। कल मैं पजल स्पेशल मॉक लेने वाला हूं, कल मैं पजल स्पेशल मॉक लेने वाला हूं, कल मैं पजल स्पेशल मॉक लेने वाला हूं, और स्पेशली आईबीपीएस पीओ लेवल, आईबीपीएस पीओ लेवल या अपकमिंग आपके इंश्योरेंस एग्जाम के लेवल के, इंश्योरेंस के एग्जाम लेवल के, या एसबीआई पीओ लेवल के, या फिर आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, तो कल मैं स्पेशली पजल स्पेशल आपका मॉक लेने वाला हूं, जहां मेरी कोशिश होगी कल मैं कम से कम आपको 10 पजल करवा सकूं। 10 पजल का मिनिमम टारगेट कल मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कल मैं क्या करने वाला हूं। कल सबके सबको प्रॉपर जुड़ना है, बिल्कुल अनसर्टेन वाले ही करवाएंगे कल, अनसर्टेन और वैकेंट पे हम लोग प्रॉपरली बात करेंगे। एक बार ठोक के सबके सब लाइक कर दो, ठोक के एक बार सबके सब लाइक कर दो। राइट, ठीक है, जिन जिनका भी एग्जाम यहां पे 10 तारीख को, 11 तारीख को जिनका होने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उसको आप फिल कर दें ताकि डिटेल्स प्रॉपरली हमें मिल जाए, तो हम आपके थ्रू आपका एक जो जेन्युइन रिव्यू होगा ये कहीं ना कहीं बच्चों तक हम इसको प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे। आईबीपीएस पीओ का मेन स्पेशल का एक बैच लॉन्च हो गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100+ आपकी लाइव क्लासेस होंगी, प्लस 2000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, हर लेवल की डिफिकल्टी को कवर करने वाले क्वेश्चन, प्लस सारे टॉपिक्स थ्रू लाइव क्लासेस, क्विजेज और स्टडी नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, क्लास की खासियत होती है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हर लेवल की डिफिकल्टी के लिए, अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रॉपर हम हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर कवर कर रहे होते हैं। ये आपका बैंकिंग सुपर सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो कि अनलिमिटेड आपके लाइव क्लासेस प्लस स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। अगर आप इसको 3 महीने के लिए लेते हैं तो इसकी फीस आपकी 3000। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो ये फीस आपकी 5700, और अगर आप 2 साल लेते हैं तो ये आपका 7200 इसकी प्रॉपर फीस हो जाएगी। राइट, तो जरूर आप इसको अवेल करें, क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉपरली मिल रहे हैं। शेड्यूल आपको प्रॉपर पता ही है, ग्रेडअप सुपर भी आपको पता ही है। जब भी क्लास में आया करो, जब भी क्लास में आया करो मेरे भाई, लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लिया करें। तो आई होप आपको आज क्लास प्रॉपरली पसंद आई होगी। कल हम लोग पजल स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, जरूर कल क्लास में आइएगा। लाइक मैंने बोल दिया, ऐप वालों आपको पता है आपको क्या करना है, जरूर कर दीजिएगा। राइट, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।